हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899-123-008। सो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ने लगे थे सिस्टम डेवलपमेंट, सॉरी, बिजनेस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो हमने पढ़ा था बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ रहे थे, और हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या रिस्क है, ये सारा हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ा, और ये पढ़ा कि सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि भाई सिस्टम की रिक्वायरमेंट को अल्टीमेटली फ्रीज करने के लिए हमें सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस की ज़रूरत होगी। वैसे ये स्टेप जरूरी नहीं है, ये फिजिबिलिटी स्टडी में ही किया जा सकता है, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उस टाइम पर प्रोजेक्ट जो है यूज़र मैनेजमेंट जो है डेवलपर को नहीं दिया होता है, और चूंकि डेवलपर कंपनी को नहीं दिया होता है तो वो उतनी मेहनत नहीं लगाता। वो जब प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लास्ट लेवल तक फ्रीज करने की कोशिश करता है। तो हमने सिस्टम की रिक्वायरमेंट लास्ट लेवल तक फ्रीज कर दी थी, कहने का मतलब ये है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। अब हम हमारी स्टडी में एक और टॉपिक दिया हुआ है, वो बताता है कि रोल्स इन्वॉल्व्ड इन SDLC, यानी कि जो रोल्स SDLC में इन्वॉल्व होंगे उसके बारे में बताता है, यानी कि कौन कौन टेक्निकली क्या टर्म्स यूज़ किया जाएंगे, यानी वहाँ कौन कौन बंदे हो सकते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होंगे। एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश की गई है, और क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइजेशन के बाद जो भी बंदे आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उनके क्या बेसिक फंक्शन होते हैं। तो बहुत सारे उसमें दिए हुए हैं, जैसे स्टीयरिंग कमेटी दी हुई है, प्रोजेक्ट मैनेजर दी हुए, प्रोजेक्ट लीडर दिया है, सिस्टम एनालिस्ट दिया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर दी है, DBA दिया हुआ है। तो जो और दिए हैं वो सारा हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जैसे मान ली पढ़ा, सिस्टम एनालिस्ट रिपोर्ट करता है प्रोजेक्ट लीडर को, प्रोजेक्ट लीडर रिपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट करेगा स्टीयरिंग कमेटी को। तो सबसे पहला हमारी स्टडी में जो दिया गया है वो स्टीयरिंग कमेटी दिया गया, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी है, इंफोसिस या जैसी कंपनी है, या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वहाँ पर लार्ज स्केल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं मालूम पड़ा, तो वहाँ आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसको आप स्टीयरिंग कमेटी का नाम दे सकते हैं। और ये स्टीयरिंग कमेटी क्या करेगी, ये प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करेगी, सेटअप करेगी और डायरेक्ट करेगी। मतलब इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे और उसी में से एक बंदा चेयरमैन के रूप में काम करेगा, और इसमें सीनियर मैनेजर्स भी हो सकते हैं, और अगर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाना है कोऑर्डिनेशन लिंक के रूप में, प्रोजेक्ट मैनेजर को कभी कभी आप बुला सकते हो, वहाँ पर बात कर सकते हो, उस मीटिंग का पार्ट भी बना सकते हो। तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजर्स, ये इस कमेटी के पार्ट होंगे। तो अब इस स्टीयरिंग कमेटी का फंक्शन क्या होगा, ये स्टीयरिंग कमेटी ओवरऑल डायरेक्शन देगी, ये देखेगी अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है अफेक्टेड पार्टीज़ का, ये देखेगी कॉस्ट और टाइमलाइंस मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेगी, उसमें एक कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 75 लाख रुपया सपोज कॉस्ट है, तो वो देखेगी कि एलोकेबल और नॉन एलोकेबल कॉस्ट मिला के 75 लाख से ज़्यादा का खर्चा तो नहीं हो रहा है। मतलब हर स्टेप्स क्रिएट कर देगी और हर स्टेप पर वो देखेगी कि भाई इतने लेवल तक कॉस्ट होनी चाहिए, कॉस्ट ओवररन्स तो नहीं आ रहे और टाइम ओवररन्स तो नहीं आ रहे, ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें स्टीयरिंग कमेटी देखेगी। तो अगर मान लीजिए सपोज कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, आपने मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर दिया हुआ है, यानी कि एडिशनल कॉस्ट कितनी लगनी है, एलोकेबल कॉस्ट आप नहीं देख रहे हो आप प्रोजेक्ट देते समय, तो आपने कहा कि जी मार्जिनल कॉस्ट मेंटेन करनी है इसमें, तो जब मार्जिनल कॉस्ट मेंटेन करनी है तो उसी मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पर स्टीयरिंग कमेटी देखेगी कि ये मार्जिनल कॉस्ट मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, टाइमलाइंस देखेगी। उसके बाद क्या है कि ये चूंकि ये सारी चीज़ें देखनी है तो इसे रेगुलर रिव्यू करना पड़ेगा हर प्रोजेक्ट का, जब भी मीटिंग आएगी तो उस पर इन सारी चीज़ों का रिव्यू करना पड़ेगा। बेसिकली कोऑर्डिनेशन और एडवाइजरी फंक्शन करती है स्टीयरिंग कमेटी। मतलब अगर मान लीजिए सपोज कोई आपके क्लाइंट है, उसके वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो देखेगी टाइम और कॉस्ट मीट आउट हो रही है कि नहीं हो रही है, सही टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही कॉस्ट पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
अगर मान लें सपोज कोई करेक्टिव एक्शन लेनी है, रीस्टाफिंग करनी है, अगर स्टाफ चला गया तो उस पर वो कॉल लेगी, रीशेड्यूलिंग करनी है प्रोजेक्ट की तो रीशेड्यूल करेगी, वो मैनेजमेंट से बात करेगी जो भी यूज़र मैनेजमेंट है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, या डायरेक्शन देगी प्रोजेक्ट मैनेजर को या सीनियर मैनेजर्स को कि भाई आप बात करें और क्या कहते हैं फीडबैक दें। अगर मान लिया प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कोई चेंज हो रहा है और यूज़र मैनेजमेंट ने कहा कि जी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया हमारा, तो फिर वो उस पर रीनेगोशिएट करेगी। अगर कोई रीडिज़ाइनिंग, रीनेगोशिएशन इन सब की चीज़ है तो वो उसका भी बेसिकली शेड्यूल मेंटेन करेगी और उसको उसका कंट्रोल रखेगी और लोगों को डायरेक्शन देगी कि मैनेजमेंट से जाकर आप बात करो और हमें रिपोर्ट करो। तो बेसिकली स्टीयरिंग कमेटी जो है हर चीज़ का कंट्रोल रखेगी। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है, ये स्टीयरिंग कमेटी में टॉप मैनेजमेंट के बंदे बैठे होंगे और ये रिव्यू कर रहे होंगे, बैठ रहे होंगे और कॉन्स्टेंटली सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये मैक्रो मैनेजमेंट करेगी, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, मैक्रो लेवल से मैनेजमेंट करेगी। ये देखिए कि सारे प्रोजेक्ट्स, ओवरऑल प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी, सेक्टर वाइज प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी और टाइमलाइंस देखेगी। तो यह है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है कि क्लाइंट से एनालाइज कर रहा होता है, यानी कि स्टीयरिंग कमेटी तो अपने ऑफिस में बैठ रही होती है, चाय पी रही होती है जनरली, और प्रोजेक्ट मैनेजर से बता पूछ रही होती है कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, किस इधर गए, कितनी गए, कितनी बार गए, उसने क्या बोला, ये क्या बोला, इसका टाइम शेड्यूल क्या चल रहा है, ओवररन क्या चल रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, क्लाइंट के पास जाएगा जनरली, लाइजनिंग करेगा वो हर हफ्ते या हर 10 दिन में या हर 15 दिन में वो क्लाइंट के पास जाएगा। उसके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे और वो ये देखेगा, ये मिडिल मैनेजमेंट फंक्शन है, मतलब जो स्टीयरिंग कमेटी थी वो टॉप मैनेजमेंट फंक्शन है, ये है टैक्टिकल फंक्शन। टैक्टिकल फंक्शन अपने रूम में बैठ के चाय कॉफ़ी पीते रहो और ऑर्डर देते रहो, जैसे आर्मी का जनरल होता है, वो जनरल्स बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि सेना इधर से जाएगी, इधर से जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो फील्ड में जाके देखता रहता है, जैसे आपका कोई मेजर जनरल है वो फील्ड में जाकर देखता रहेगा, बात करता रहेगा ब्रिगेडियर से कि क्या चल रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे और फिर ये मिडिल मैनेजमेंट फंक्शन है, इस ये देखेगा कि इन प्रोजेक्ट्स को टाइम और बजट के उसमें डिलीवरी होनी चाहिए। ये भाई प्रोजेक्ट लीडर को बुलाएगा और उसकी टीम को बुलाएगा और बार बार उनसे क्वेश्चन करेगा कि भाई टाइम तो डिले नहीं हो रहा है, बजट तो नहीं डिले हो रहा है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोजेक्ट लीडर इसको रिपोर्ट करेगा, प्रोजेक्ट लीडर एक प्रोजेक्ट का होगा, ये कई प्रोजेक्ट का होगा, तो ये स्टीयरिंग कमेटी को बताता जाएगा कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस ये हो रहा है। तो यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कुछ प्रोजेक्ट्स को देखता रहेगा, उसकी कॉस्ट और टाइमलाइंस और बजट्स मेंटेन और उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं है, बीच में वो क्लाइंट के पास जाकर उससे फीडबैक पूछ सकता है, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार जाकर उनसे फीडबैक पूछ सकता है और स्टीयरिंग कमेटी को बताएगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, उसको कॉन्स्टेंटली अप्राइज करके रखेगा और टीम से वो बात कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों आई रन आउट नहीं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें बात करेगा। और इसके बाद होता है प्रोजेक्ट लीडर। प्रोजेक्ट लीडर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होगा तो ये इंश्योर करेगा वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो एंटायर प्रोजेक्ट टीम इस प्रोजेक्ट लीडर को रिपोर्ट करेगी, मतलब जी जो भी टीम है, और ये प्रोजेक्ट पोजिशन जो है रेगुलरली रिव्यू करेगा। मतलब इसके सामने कई बार तो क्या होगा, प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो ये डेली हर हफ्ते हर तीसरे दिन देख रहा होगा कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कॉस्ट सही चल रही है कि नहीं चल रही है, और क्लाइंट के पास ये बैठा हो सकता है, उसी के साथ काम कर रहा हो सकता है, या फ्रीक्वेंटली आ रहा होगा क्लाइंट के पास, क्लाइंट साइट में जा रहा होगा, या उस अगर क्लाइंट साइट में प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है तो अगर मान लिया सपोज डिज़ाइनिंग चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है, फेज चल रहा है, और अगर मान लिया सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको डेवलप कर रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली जाकर देखेगा कि राइट शेड्यूल पर है कि नहीं है, सही चीज़ें चल रही हैं कि नहीं है चल रही हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है, SRS डॉक्यूमेंट जो बना था, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो बना था, उसमें जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोजेक्ट लीडर करेगा। इसके प्रोजेक्ट लीडर जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। इसके बाद है
सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट बेसिकली यूज़र रिक्वायरमेंट को सिस्टम रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करता है, यानी कि यूज़र, यानी कि ये कहाँ, ये बेसिकली कहाँ तक काम करेगा, ये काम करेगा आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तक काम करेगा बेसिकली। आगे भी काम कर सकता है, एक्सपर्टीज हो तो आगे भी कर सकता है, लेकिन सिस्टम की रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन फ्रीज करने का काम इसका होगा बेसिकली। ये यूज़र और प्रोग्रामर के बीच में लिंक होगा, यानी प्रोग्रामर जो प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, प्रोग्रामर जो है, दीज आर नर्ड काइंड ऑफ पीपल, यानी कि वो आपने मूवी में देखा होगा प्रोग्रामिंग कर रहा है, बैठ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, जो ज़्यादा क्लाइंट से उतना कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, सिस्टम एनालिस्ट जो है, ये प्रोग्रामर्स ही बाद में जाके सिस्टम एनालिस्ट बन जाते हैं कई बार। तो सिस्टम एनालिस्ट जो है यूज़र के पास जाएगा, यूज़र के पास इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, वो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करेगा और ये यूज़र की रिक्वायरमेंट को सिस्टम की रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज तक मेजर काम होगा, इवन डिज़ाइन फेज में भी इसका काम होता है। मतलब जो डिज़ाइनिंग में भी, जब वो डिज़ाइन करेगा, जब वो डिज़ाइन प्रेजेंट करेगा और डिज़ाइन में गो अहेड ले लेगा, तो उसमें भी उस समय तक भी सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। तो यानी कि सिस्टम एनालिस्ट को हम बिज़नेस एनालिस्ट भी कहते हैं, पहली चीज़। फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टम एनालिस्ट और बिज़नेस एनालिस्ट एक ही होता है, सिस्टम एनालिस्ट का हो या बिज़नेस एनालिस्ट का हो, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इंटरव्यू कंडक्ट करेगा यूज़र के साथ और उनकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करेगा, यानी कि रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करके सिस्टम की रिक्वायरमेंट में बदलना है और यूज़र को बताना है कि भाई तेरी ये रिक्वायरमेंट यही है, मैंने अनएम्बिगुअस वे में समझ ली है, और उसको डॉक्यूमेंट करना, ये सिस्टम एनालिस्ट का काम है। और सिस्टम एनालिस्ट जो है उसके बाद प्रोग्रामर को बताएगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट आई है सॉफ्टवेयर की, तो इसको इस तरीके से डेवलप करो। यानी कि दोनों के बीच में जो सिस्टम डेवलपर है, ये मान लो चाइनीज़ है और यहाँ पर इंग्लिशमैन है, तो इंग्लिशमैन और चाइनीज़ के बीच का ट्रांसलेटर है ये, जो हर चीज़ को कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम डेवलप करेगा, उसको उसका स्पेशलाइजेशन होगा। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, वैसे मर्ज कर सकते हैं, कई जगह पर सिस्टम एनालिस्ट ही प्रोग्रामर भी हो जाता है अगर छोटा कंपनी है, अगर बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट अलग होगा और प्रोग्रामर अलग होगा। तो सिस्टम एनालिस्ट जो है इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, बात करेगा, और चूँकि उसको प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज होगी तो वो क्या करेगा, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूज़र को बताएगा और प्रोग्रामर को बताएगा और उन्हें फ्रीज आउट करेगा, और जो रिक्वायरमेंट पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, उसको लेमैन लैंग्वेज में यूज़र को बताने की कोशिश करेगा। तो यानी उसका मेन काम इंटरव्यू कंडक्ट करना है और रिक्वायरमेंट को फ्रीज करना है और डिज़ाइन फेज डिज़ाइन को फ्रीज करना है। मतलब मेन रोल प्ले करता है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में और डिज़ाइन फेज में, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है। इसके बाद होता है मॉड्यूल लीडर या टीम लीडर। तो मॉड्यूल लीडर क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट को कई मैनेजेबल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है। मतलब डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉड्यूल को डेवलप करने की डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेज है, तो उसमें अकाउंट्स पेबल भी होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल भी होगा, ट्रेजरी भी होगी उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक पर्टिकुलर ईआरपी में, 2500 चीज़ होती है, इन्वेंट्री होती है, ये होती है। तो हर एक के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो हर मॉड्यूल्स को डेवलप करने का काम एक मॉड्यूल लीडर करेगा। मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, उसे इन्वेंटरी के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और वो किस तरह से दूसरे चीज़ों के साथ डेटा फ्लो होगा। मतलब एक बार इन्वेंटरी में डेटा किस तरीके से दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उस बेसिस, और लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में होता है, तो वो उस मॉड्यूल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको स्टाइपुलेटेड टाइम में बनाने के लिए कॉस्ट होता है, और एक स्टाइपुलेटेड टाइम और स्टाइपुलेटेड कॉस्ट में बनाने में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि एक प्रोग्राम बना, उसको सेगमेंट कर दिया, सेगमेंट करने के बाद मॉड्यूल लीडर को दे दिया कि भाई इस मॉड्यूल को तुम डेवलप करो, आप इसे इतने टाइम में डेवलप करना है, इतनी कॉस्ट में डेवलप करना है, ये इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये मॉड्यूल लीडर या टीम लीडर करेगा। इसके बाद आता है प्रोग्रामर। तो आप प्रोग्रामर कहो या आप कोडर कहो या आप डेवलपर कहो, कुछ भी कह सकते हो। प्रोग्रामर जो है, जो मकान बनाते वक्त मिस्त्री का काम होता है, वही प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, वो
जो डिज़ाइंस हैं उन जो प्रोग्राम डिज़ाइंस हैं उन्हें कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यानी प्रोग्रामर वो होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेगा। इन्हें कोडर्स या डेवलपर्स भी कहते हैं। ये डेवलप कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा सी प्लस प्लस इनमें प्रोग्राम्स को डेवलप कर रहे होते हैं। ये प्रोग्राम को डेवलप करना ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेवल टेस्टिंग की होती है, फर्स्ट लेवल टेस्टिंग की भी होती है। यानी और ये डिबगिंग एक्टिविटी भी करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये प्रोग्राम को बना रहे होते हैं, प्रोग्राम को कोड कर रहे होते हैं, प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल टेस्टिंग करते हैं, उसके अलावा डिबगिंग भी करते हैं। इसके बाद आते हैं DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो यानी कि जो आपके मॉड्यूल लीडर या प्रोग्रामर होते हैं वो तो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन एक और बंदे होते हैं DBA, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो सारा डेटा है एप्लीकेशन के बाद वो एक डेटाबेस में जाएगा, उस डेटाबेस को डेवलप करना, उस डेटाबेस को मेंटेन करना, ये सारा काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। अब चूंकि क्या होता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड है, यानी कि डेटा आप एक ही तरीके से रखेंगे, उसका एक पर्टिकुलर मेथड है जो हमने पहले पढ़ा, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक स्पेशलाइज्ड आदमी है। यानी कि एक प्रोग्राम है उसमें कई जो प्रोग्रामर्स हैं, मॉड्यूल लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कई प्रोग्राम का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक हो सकता है, क्योंकि डेटा जो आएगा उसको किस तरीके से रखना है, किस तरीके से उसकी डेटाबेस की किस तरीके से सिक्योरिटी इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, कैसे डेटा स्टोर होगा, ये सारा काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। अगर कोई नया डेटा ऐड होगा तो किस तरीके से होगा, ये सारा ऐड होता है तो डेटा DBA का अप्रूवल लिया जाता है। तो बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कई प्रोग्रामों का, क्योंकि ये सेम फंक्शन है, सेम टाइप का, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है डेटाबेस को रखने में, डेटाबेस को बनाने में, तो DBA जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो है वो डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेटा है डेटाबेस इन्वायरमेंट में रखना है वो DBA करेगा। यानी कि जो एप्लीकेशन जो बन रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस जो एप्लीकेशन जो प्रोग्रामर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और जो प्रोग्राम्स बन रहा है और उससे जो डेटा निकलेगा वो किस तरीके से रखा जाएगा उसके बारे में दोनों बैठकर डिसाइड कर लेंगे। और फिर डेटाबेस क्यों, चूँकि डेटाबेस एक ही तरीके से रखना है, जो प्रोग्राम को क्या करना है, डेटा को उठाएगा और डेटा को रखेगा, और वो किस तरीके से रखना है, किस तरीके से अरेंज होगा, ये सारा DBA को पता होगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक ही DBA होगा। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक स्पेशलिस्ट होगा जो कई मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स में काम कर रहा होगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स के डेटा बेसिस को हैंडल कर रहा होगा और उनको इंटीग्रेट करेगा, मतलब उनके एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए सब उस प्रोग्रामर है, उसका एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है कि किस तरीके से डेटा को डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, किस तरह कम्युनिकेशन होगा, तो वो DBA के साथ बैठेगा और जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करेगा, आयरन आउट करेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के की तरह एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम होगी। ये टीम क्या होगी, क्वालिटी देखेगी, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा होगा कंप्लायंस हो रहे कि नहीं, स्टैंडर्ड्स जो मीट आउट होने हैं प्रोजेक्ट्स के वो पीरियोडिक बेसिस पर मीट आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी टीम जो है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सेम हो सकती है, लेकिन इंटरेस्टेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। यानी जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट लीडर है या जो उसमें मॉड्यूल लीडर है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या प्रोग्रामर है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट उसे नहीं माना जा सकता है। ये आदमी ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जितने भी बंदे हैं एसोसिएटेड हैं वो
इंटरेस्टेड पार्टी, इंटरेस्टेड मान लिए जाएंगे, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे। तो आपको इंडिपेंडेंट बंदा लेना होगा, इंडिपेंडेंट बंदे आएंगे और वो क्वालिटी एश्योरेंस देखेंगे। ये भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि भाई कोई प्रोग्रामर्स हैं, उनका रोटेशन कर दिया, उन्होंने कहा कि तुम जाकर देख लो, क्योंकि उनको नॉलेज होती है। मॉड्यूल लीडर्स हैं, उन्होंने देखा कि जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस मीट आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही, क्वालिटी है कि नहीं, उस पर आप जाओ ऑडिट करो। इंटरनल ऑडिट टीम ही आप बना सक कह सकते हो, रोटेशनल इंटरनल ऑडिट टीम बन जाती है। और कई बार क्या है कि क्वालिटी स्पेशलिस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका ये काम होता है। इसके बाद टेस्टर्स होते हैं, टेस्टर्स जो हैं क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनली होते हैं, जूनियर लेवल होते हैं। लेकिन तो ये क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स में एक टेस्टर को कई प्रोजेक्ट्स में आपने अटैच कर दिया, तो ये जो प्रोग्राम दिया जाएगा, मॉड्यूल या प्रोजेक्ट लीडर एक टेस्ट रिपोर्ट बनाएगा, तो वे इसे टेस्ट करेंगे कि भाई ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद होते हैं डोमेन स्पेशलिस्ट। डोमेन स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो उस डोमेन के स्पेशलिस्ट हैं। जैसे इंश्योरेंस का एक सॉफ्टवेयर हो रहा है, तो इंश्योरेंस का स्पेशलिस्ट होगा जो इसको नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर फील्ड में इंश्योरेंस के बारे में। अगर मान लिया सपोज़ एक बैंक का सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो बैंक के बारे में नॉलेज होने की अकाउंटिंग की नॉलेज होने के का स्पेशलिस्ट होगा। अगर मान लिया सपोज फाइनेंशियल पैकेज बन रहा है, तो उस डोमेन का स्पेशलिस्ट होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर डोमेन है, अगर मान लिया सपोज अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं आपकी कंपनी में 50 बन रहे हैं, तो उसका एक डोमेन स्पेशलिस्ट हो सकता है। लेकिन ये 50 बन रहे हैं तो एक डोमेन स्पेशलिस्ट होगा, तो उस पर वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वह 4-5 डोमेन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस डोमेन में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर वो एप्लीकेशन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में डेवलप हो रहा है, वहाँ की निटिग्रिटी पता होनी चाहिए। अगर पीएफ का एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो पीएफ के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज एक मेडिकल लाइन में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज ऐसा होता है कि कई कंपनीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार मैं एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पर क्या था कि एक बंदा था, उसकी बिलिंग 1 करोड़ रुपया महीना थी। और हमने सोचा कि भाई ये IBM में आउटसोर्स था, एक पर्टिकुलर कंपनी में आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करते थे, तो वो बंदा आउटसोर्स किया गया था 1 करोड़ की बिलिंग में। 1 करोड़ रुपया का पेमेंट देना पड़ता था उस बंदे को महीने का। तो हमने सोचा ये बंदा करता क्या है, बाद में पता चला वो HIV के बारे में उसे नॉलेज थी और कुछ मेडिकल फील्ड के बारे में नॉलेज थी, तो वो उस डोमेन का स्पेशलिस्ट था और कई सॉफ्टवेयर्स बना रहा था IBM, तो वो उस डोमेन की नॉलेज यूज़ कर रहा था। तो ये डोमेन स्पेशलिस्ट होते हैं, ये बहुत कई बार इनकी नॉलेज बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत प्राइज्ड प्रोफेशनल होते हैं। कई बार डोमेन नॉलेज डोमेन स्पेशलिस्ट आपको मिल जाते हैं, लेकिन कई बार डोमेन स्पेशलिस्ट नहीं मिलते हैं कोई पर्टिकुलर डोमेन की। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक पर्टिकुलर डोमेन है, वो कंप्यूटर के अंदर ही डोमेन है। जैसे अगर मान लिया सपोज आप अगर ब्रेन के बारे में अगर कोई नया स्कैनिंग डिवाइस बना रहे हैं, अगर आया तो नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ब्रेन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे को, उस बंदे को उस डोमेन के बारे में पता होना चाहिए कि डॉक्टर देखेगा तो कैसे बीमारियाँ पता चलेंगी, अल्जाइमर डिजीज़ कैसे पता चलेगी, पार्किंसन डिजीज़ कैसे पता चलेगी, 25 अलग तरीके की डिजीज़ कैसे पता चलेगी। तो ये डोमेन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब नया कोई चीज़ आती है, नया एप्लीकेशन आता है, नया नया फील्ड होता है, और नए फील्ड में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए शुरुआत की जाती है, तो वहाँ पर डोमेन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। और डोमेन स्पेशलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी जरूरी है, कई बार उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होती, उसको अपने सिस्टम की नॉलेज होती है। तो वो सॉफ्टवेयर जैसे जैसे बनता है, वैसे उसे उसे दिखाया जाता है, उसके रिजल्ट दिखाए जाते हैं, वो देखता है और वो कहता है कि नहीं नहीं अभी उतना नहीं आया, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से और डेवलप करो। वो मतलब बताता जाता है उस पर्टिकुलर डोमेन में। और डोमेन स्पेशलिस्ट का कई बार सिंगल नहीं होता है, एक कमिटी हो सकती है, 3-4 एक डोमेन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वो फीडबैक दे सकते हैं। अगर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप के स्पेशलिस्ट सिमुलेशन है, तो उसमें हम और ज़्यादा डोमेन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो जैसे लॉ के फील्ड का डोमेन स्पेशलिस्ट अलग होगा।
डोमेन स्पेशलिस्ट के अलावा टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आईटी रैपिडली तेज़ी से बढ़ा है, और हमने ये था कि कुछ जो भी चीज़ डिजिटाइज हो जाती है वो मूर्स लॉ में आ जाती है, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके से बढ़ने लगती है, यानी कि अगर 30वें इटरेशंस में वो 1 करोड़ गुना पावरफुल हो जाती है। मतलब 30वें स्टेप्स में अगर आप 2, 4, 8, 16, 32, 64, 124, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, फिर 1,24,000, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, इस तरीके से अगर आप डबलिंग होती जा रही है, यानी कि जो पहले उसकी टेक्नोलॉजी डबल कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सीपीयू हैं वो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो डबल होते जा रहे हैं। तो आईटी रैपिडली फील्ड बढ़ता जा रहा है, उसमें स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उसमें नई नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एरिया बनते जा रहे हैं, जैसे जावा अलग है, सी प्लस प्लस अलग है, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी अलग है, वेब इनेबलमेंट, अगर वेब टेक्नोलॉजी है वेब इनेबलमेंट करना है तो वो अलग है। तो कई बार सॉफ्टवेयर डेवलपर एप्लीकेशन डेवलपर्स को गाइडेंस चाहिए होती, कि एक्सपर्ट्स की गाइडेंस चाहिए होती, पार्ट टाइम बेसिस पर एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए होती है। तो ये टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं, ये अपने एरिया के माहिर होते हैं, ये उस टाइम पर उस पर्टिकुलर या तो हेल्प कर देते हैं या फीडबैक दे देते हैं या एडवाइस कर देते हैं या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, उस पर्टिकुलर कोडिंग अगर एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर वो उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये डोमेन स्पेशलिस्ट होते हैं और टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं। डोमेन स्पेशलिस्ट एक पर्टिकुलर डोमेन में माहिर होते हैं, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट आईटी में माहिर होते हैं, आईटी के पर्टिकुलर एरिया में माहिर होते हैं। तो ये जनरली क्या है, एक्सपर्ट्स होते हैं और पार्ट टाइम बेसिस पर काम करते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट आ गए हैं। डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट वो प्रोफेशनल होते हैं जो यूज़र मैनुअल बनाते हैं। तो इन्हें सॉफ्टवेयर का फंक्शन पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होनी चाहिए, इंग्लिश की अच्छी कमांड होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने की इनकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। टेक्निकल राइटिंग जो है इंडिया में अभी एक इमर्जिंग फील्ड है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें प्रोग्रामर्स होते हैं, मॉड्यूल लीडर होते हैं, वो ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए सपोज़ बेकार डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, उसमें कन्फ्रंटेशन हो सकता है। तो जो यूज़र मैनुअल क्रिएट करना है या टेक्निकल राइटिंग करनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट होते हैं। कई बार क्या होता है कि छोटी कंपनी होती है तो कई बार क्या होता है जो डेवलपर है या मॉड्यूल लीडर है या प्रोग्रामर है उसे ही इस काम को दे दिया जाता है, लेकिन उसमें क्वालिटी डाउन हो जाती है। मतलब क्वालिटी, कई बार क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन को दे दिया जाता है ये सारा काम, तो कई बार क्या होता है कि वो क्वालिटी उतनी मेंटेन नहीं कर पाते। तो डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट एक अलग फील्ड है, स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट ये कहो या टेक्निकल राइटर कहो, अच्छी लैंग्वेज की कमांड होती है। अगर हिंदुस्तान में तो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, जापान है तो जापानीज लैंग्वेज वाला होगा। तो बेसिकली हिंदुस्तान में अगर इंग्लिश की अच्छी कमांड है और वो कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर सकता है और लिख सकता है प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट बन सकता है। तो लेकिन बड़ी कंपनियों में ये स्पेसिफिक रोल जो है बड़ी कंपनियों में होता है, अदरवाइज छोटी कंपनियों में प्रोजेक्ट हेड है या डिपार्टमेंट हेड है, वही अपने किसी बंदे को हेल्प को डायरेक्ट करता रहेगा और वो बनाता रहेगा, और जो डिपार्टमेंटल हेड है, डेवलपमेंट टीम का हेड है, वो ये काम करता है। फाइनली हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आ गया, हम और आप आ गए। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर डेवलपमेंट प्रोसेस का क्या पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, मतलब लेकिन डिज़ाइन फेज़ में और फाइनल टेस्टिंग फेज़ में उसको इन्वॉल्व कर लेना ठीक रहता है, क्योंकि फिर वो कंट्रोल्स हैं कि नहीं है चेक कर सकता है, इंश्योर कर सकता है कि कंट्रोल्स का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। तो आईएएस ऑडिटर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर वो एसडीएलसी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो डेवलपमेंट में कर रहा है, डेवलपमेंट में काम कर रहा है, तो कुछ समय बाद वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, और एक्सपीरियंस होने के बाद फिर वो अपनी एक्सपर्टीज़ दे सकता है, मतलब जो कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, लॉग्स हैं कि नहीं है, ऑडिट ट्रेल बन रही है कि नहीं बन रही है, कहीं पर कोई वीकनेसेस तो नहीं है, नेटवर्क में वीकनेसेस तो नहीं है, एप्लीकेशन में वीकनेसेस तो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वीकनेसेस तो नहीं है, ये डिटरमाइन कर सकता है।
तो हमने पढ़ा रूल्स SDLC का, स्टीयरिंग कमेटी के बारे में पढ़ा, टॉप मैनेजमेंट इंफोसिस में बैठी है और वहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी है, टॉप मैनेजमेंट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, उसके नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाते जा रहे हैं, रिपोर्ट करते जा रहे हैं कि भाई तो तेरे तीन चार प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते जा, हर रिपोर्ट देते जा। प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट के पास जा रहा है, वहाँ प्रोजेक्ट लीडर से बात कर रहा है कि प्रोजेक्ट लीडर के पास एक प्रोजेक्ट है कि भाई इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, उस प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट लीडर उस एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा है, उसके नीचे सिस्टम एनालिस्ट हैं जो यूज़र से बात कर रहे हैं, सारे यूज़र से बात करके सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर रहे हैं और डिज़ाइन फेज तक काम कर रहे हैं। उसके नीचे उसके बाद है मॉड्यूल लीडर या टीम लीडर, मॉड्यूल्स देख रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हर जैसे इन्वेंट्री का अलग, फाइनेंशियल में क्या होता है सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री का अलग मॉड्यूल, अकाउंट रिसीवेबल का अलग मॉड्यूल, अकाउंट पेबल का अलग मॉड्यूल, तो हर मॉड्यूल में वो काम कर रहा है, वो उस मॉड्यूल के टाइम कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर कोडर डेवलपर डेवलप कर रहा है प्रोग्राम का। उसके बाद DBA है, DBA क्या है, डेटाबेस को रखने रख रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, वो क्वालिटी को देख रही है। टेस्टर है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम का जूनियर बंदा है, उनको कुछ प्रोजेक्ट दिए गए, वो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। उसके बाद डोमेन स्पेशलिस्ट है, वो डोमेन की नॉलेज है, इंश्योरेंस मेडिकल इन नॉलेज। टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट है, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, डोमेन स्पेशलिस्ट ही है टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर के एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में उसकी एक्सपर्टीज है और उसको वो बेचता है मार्केट में पार्ट टाइम बेसिस पर, अगर कहीं पर डेवलपर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको हेल्प करेगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट, वो डॉक्यूमेंटेशन बता रहे हैं। फाइनली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, यानी कि हम और आप, अगर हमें रख लो तो हम बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है आफ्टर अ पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। थैंक्स।